अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे शबे कद की रात पढ़ने वाली दो रकत नफिल नमाज का तरीका। दोस्तों, ये दो रकत नमाज आपको शबे कद्र में पढ़नी है। शबे बारात और शबे मेराज में भी आप इस नमाज को पढ़ सकते हैं। बहुत ही बरकतों और फजीलतों वाली नमाज है। माह रमज़ान का पाक महीना हमारे दरमियान जलवागर है, तो क्यों ना ही इस नमाज को शबे कद्र की रात सवाब की नियत से पढ़ लिया जाए। तो इस रात यानी शबे कद्र की रात आपको ये नमाज जरूर से ज़रूर पढ़नी है। प्यारे दोस्तों, इस नमाज को पढ़ने की नियत इस तरह से करेंगे। नियत की मैंने दो रकत नमाज नफिल शबे कद्र की वास्ते अल्लाह ताला के रुख में काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कहकर दोनों हाथ करो तो कुटा कर नियत बांध लेंगे। फिर आप सना पढ़ेंगे, सुबह न पढ़े औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ें, एक बार सूरह फातिहा पढ़ें और 20 बार सूरह इखलास पढ़ें। रुकू और सजदे आम नमाज की तरह कंप्लीट करें, फिर अल्लाह अकबर कहें और दूसरे रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरे रकात में एक बार सूरह फातिहा पढ़ें, 20 बार सूरह इखलास पढ़ें, रुकू और सजदे कंप्लीट करके कायदा करें। कायदे में एक बार अतियात पढ़ें, एक बार दरूद इब्राहिम पढ़ें, एक बार दुआ मशरूफ पढ़कर सलाम फेरकर अपनी नमाज कंप्लीट करें। फिर नमाज की जगह पर बैठकर 500 बार सूरह इखलास पढ़ें, 100 बार अस्तगफार पढ़ें, आखिर में 100 बार दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह पाक से अपनी तमाम हाजतों के लिए दुआएं मांगें, तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए दुआएं करें। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो भी भाई शबे कद्र की रात इबादत कर रहा है उसकी तमाम इबादतों को अपनी बारगाह नईम में कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो और लोगों तक आसानी से पहुंच जाए, और इस वीडियो को सदकाए जारिया के नीचे शेयर कर दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं शबे कद्र की रात है, आपको इसका सवाब मिलेगा और इसके चलते आपके तमाम बिगड़े काम बन जाएंगे, तमाम परेशानियां दूर हो जाएगी, जो आप चाहोगे वो आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।